वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रतन फिटनेस स्कूल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बैली के फैट को बर्न करने की एक्सरसाइज। तो जब भी हम बैली की एक्सरसाइज करते हैं, आपने तीन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप इन तीन चीजों को अच्छे से फॉलो करते हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। सो फर्स्ट थिंग है जिसका आपने ध्यान रखना है, वो है कि जब भी आप बैली की एक्सरसाइज करेंगे, आपका स्टमक एकदम से खाली होना चाहिए। अगर आप ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर के बाद वर्कआउट करेंगे तो आपने कम से कम 2 और 3 घंटे का गैप जरूर देना है एक्सरसाइज और खाने के बीच में। एंड सेकंड टिप्स है जो आपने याद रखनी है, वो है कि जब भी आप बैली की एक्सरसाइज करेंगे, आपने अपने बैली को अच्छे से एंगेज रखना है। क्योंकि जब भी हम बैली की एक्सरसाइज करते हैं, आपने अंदर को अपने बैली को स्क्वीज कर लेना है एंड उस तरह से आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, थर्ड टिप्स है, अगर आप बैली के फैट को बर्न करना चाहते हैं तो आपने इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपने अपना डिनर बहुत जल्दी फिनिश कर लेना है। कम से कम आपने 6 और 7 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर लेना है, क्योंकि अगर जल्दी खाना खाते हैं तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है, आपकी एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न हो जाती है। एंड फ्रेंड्स, आपने रात को लाइट डिनर लेना है। आप वेजिटेबल सूप लीजिए, आप दालों के सूप लीजिए, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप डिनर जल्दी कर लेते हैं तो आपको ओवरऑल फैट को बर्न करने में भी काफी हेल्प मिलेगी। सो चलिए देखते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज हम आज करने वाले हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हैंड को आप इस तरह से आगे लेके जाएंगे, बिल्कुल आपने स्ट्रेट अपने हैंड को रखना है एंड इस तरह से आपने अपनी लेग को ऊपर उठाना है। 2 3 4, आप देख सकते हैं मैंने अपने टमी को अंदर की तरफ स्क्वीज किया है। आपने अपने टमी को अंदर की तरफ स्क्वीज जरूर करना है, क्योंकि इससे आपका बैली एंगेज हो जाता है। 4 5 6 7 8 9 10, इस एक्सरसाइज के आपने 30 रेपिटेशन एक सेट पे करने हैं एंड 3 सेट आपने सारी एक्सरसाइज के करने हैं। तो सेकेंड एक्सरसाइज के लिए हैंड को आप ऊपर लेके जाएंगे एंड आपने फ्लोर को टच करने की कोशिश करनी है इस तरह से। 1, ऊपर आएंगे, सांस को छोड़ देंगे, 2, इस एक्सरसाइज से आपको बैली पे बहुत स्ट्रेच आएगा। 4 5 6 7 8 9 10, इस एक्सरसाइज के भी आपने 30 रेपिटेशन करने हैं एंड 3 सेट करने हैं। सो बढ़ते हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। आप इस तरह से खड़े हो जाएंगे, आप इस पोजीशन में आ जाएंगे। आपने इस तरह से प्रिटेंड करना है जैसे आप किसी चीज को पुल कर रहे हो एंड लेग आपकी आगे जाएगी, टमी आपका अंदर की तरफ स्क्वीज रहेगा। सो चलिए करते हैं। 1 2 3, स्लो स्लो इस एक्सरसाइज को कीजिए। 4 5 6 7 8 9 10, सेम हमने दूसरी तरफ इस एक्सरसाइज को करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट एक्सरसाइज आएगी, हैंड को आप बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, लेग को आपने ऊपर लेके आना है। जितना आप अपने नीज को ऊपर लाएंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस एक्सरसाइज के भी आपने
30 रेपिटेशन जरूर करने हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लवलता एंड फिटनेस स्कूल। थैंक्स अलॉट।